सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम क्लास, आप सभी का श्री बालाजी ऑनलाइन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं राहुल राठौड़ आज आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम टेली के अंदर ब्याज की जो हमने लास्ट इंट्री क्लास दी थी, हम उससे आगे किस प्रकार से हम सेल्स के ऊपर ब्याज प्राप्त करते हैं। लास्ट वाले इंट्री में हमने क्या ब्याज दिया था, इस वाले इंट्री में क्या करेंगे, ब्याज प्राप्त करेंगे। सो वंस अगेन हमारी जो ये कंपनी बन के तैयार है, और इसके अंदर हम देखो हमने ये वाली दो एंट्री की थी, परचेज पेमेंट की और क्रेडिट नोट की, और एक हमने एंट्री की थी, हम तीन एंट्री की थी एक्चुअली, हमने काफ़ी एंट्री कर दी, बट ब्याज से रिलेटेड तीन थी, परचेज और ये क्रेडिट नोट की और पेमेंट की। तो अभी हमने ब्याज दे दिया सामने वाली पार्टी को, अब अपन क्या करेंगे, सामने वाली पार्टी से ब्याज लेंगे, क्या करेंगे, हम उनको माल बेचेंगे। तो अगेन आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, क्या करते हैं, हम FER प्रेस करते हैं और हम इस ऑप्शन को यस करते हैं, और अगेन वापस आके हम इसी ऑप्शन को यस कर देते हैं। तो इसमें क्या आएगा, अपन को ब्याज वाला ऑप्शन मिल जाएगा कि इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो हमें क्या करना है कि इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है। जब हम इस ऑप्शन को यस करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो लेजर होते हैं, कई लेजर उनके अंदर बैलेंस सॉरी उसके अंदर इंटरेस्ट का जो बैलेंस होता है वो शो होने लग जाता है, और इंटरेस्ट के कई ऑप्शन जो नहीं आते इस ऑप्शन के बजाय, मतलब इस ऑप्शन का नो रहता है तो लेजर के अंदर वो ऑप्शन नहीं आते, तो अभी क्या है वो ऑप्शन आने लग जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना, अभी हमें बस ये सेव करना है, सेव करने के बाद में हम जाएंगे क्रिएट के अंदर। तो परचेज हो चुका है, अब अपन जाएंगे सेल्स में। तो सबसे पहले लेजर पे गए, और पहले लेजर बना लिया मैंने सेल्स का, सेल्स का ऑलरेडी बना हुआ है, तो सेल्स का कोई बनाना नहीं है, अपन को पार्टी का बना दें, जैसे पार्टी का नाम हो गया, अपन ले लेते हैं पूजा। पूजा आएगा, इसमें आएगा पूजा संडे डेबिटर। ओके, अभी यहाँ पे ऑप्शन है कि एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को हमने करना है यस। हमारे सामने ऑप्शन आ गए, एक बार के लिए हम क्या करेंगे, सभी को यस कर लेंगे। रेट, तो रेट मैंने लगा दी जैसे कि 24% पर ईयर, और अभी मैंने क्या कर दिया, इनको सेव कर दिया। अभी हम माल बेचेंगे, तो अकाउंटिंग वाउचर में गए, F8 में गया, और सॉरी कंट्रोल H, और मैं गया एज वाउचर। ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है ये। ओके, अभी DR से आ रहा है, तो DR में आ जाएगा जैसे पूजा, पूजा को मैंने माल बेचा कितने का, मैंने पूजा को माल बेच दिया 1 लाख का, और यहाँ पे आ जाएगा सेल्स। ये हमारी एंट्री है, मतलब कि जब आप ब्याज से रिलेटेड एंट्री करो तब केवल पूजा का जो लेजर है उसी के अंदर आपको क्या करना है, उस ऑप्शन को यस करना है, बाकी और बाकी सब कुछ आपको जैसा है वैसा वैसा सेम आपको सेव करना है। इस एंट्री को आप सेव कर दो। इस एंट्री को सेव करने के बाद में आपको जाना है यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर, उसके बाद में आप जाओगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री जो कि है यहाँ पे, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है आपको, उसके बाद में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाना है, उसके बाद में आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल पे जाना है क्योंकि हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। और अभी हमारे पास ये आ गया करंट एसेट्स, मैंने इंटरप्रेस किया संडे डेबिटर और पूजा कितना है, 1 डे का 65 है, बट वो 1 डे का है, अपन कितना निकालना है 2 महीने का। सपोज को 2 महीने के बाद पूजा पेमेंट करेगी अपन को, 2 महीने के बाद पूजा पेमेंट करेगी तो अपन को जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर। अगेन हमें अकाउंटिंग वाउचर से पहले अपन को जाना पड़ेगा क्रिएट के अंदर, हम जाएंगे वाउचर टाइप के अंदर, क्रिएट में नहीं जाएंगे हम, अपन जाएंगे अल्टर के अंदर, और अपन जाएंगे वाउचर टाइप में, और हम अपन जाएंगे यहाँ पे डेबिट नोट। डेबिट नोट में ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे नेम ऑफ क्लास है, यहाँ पे आपको बनाना है इंटरेस्ट इश्यू, पहला ऑप्शन यस, दूसरा ऑप्शन यस, बाकी कुछ नहीं करना, आपको बस इसको सेव करना है। उसके बाद में आप जाओगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर F10, आप जाओगे इंटरेस्ट इश्यू F2 के बाद डेट चेंज करोगे, यहाँ पे आप लगा दो 1/11, पूजा नाम डाल दो, पूजा का जो बैलेंस है वो अपने आप आ गया, इंटर 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 और इंटर। अभी यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट रिसीव, तो इंटरेस्ट रिसीव को लेजर बनाएंगे अपन, तो यहाँ पे लगा दिया इंटरेस्ट रिसीव। तो ये एंट्री होगी अपन किसकी, ब्याज की प्राप्त करने की। ब्याज प्राप्त करने के बाद में अपन जाएंगे किसमें, अपन जाएंगे F6 के अंदर, और ये अपन जाएंगे कंट्रोल एस डबल एंट्री मोड, यहाँ पे अपन दे देंगे पूजा, पूजा का बैलेंस पहले था 1 लाख, अभी आ गया 1,06,1105। या अपन पूरा बैलेंस यहाँ पे लगा देंगे, और अपन क्या करेंगे यहाँ पे DR के अंदर अपन कैश ले लेंगे, और मतलब क्या हो गया, पूजा ने अपन को पेमेंट कर दिया। इस प्रकार से हम ब्याज प्राप्त करते हैं। तीन एंट्री होती है, तीनों मैंने आपको करके बता दी। पहली जो एंट्री होगी वो होगी आपकी, एक सेकेंड, जो पहले नंबर की एंट्री है वो हो रही है आपकी उसमें सेल्स के अंदर। सेकेंड एंट्री होगी हमारी डेबिट नोट के अंदर, और थर्ड एंट्री हो गई हमारी रिसिप्ट नोट के अंदर। तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था, जो कल वाली क्लास के आगे वाला टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन कुछ समझ में आया होगा, अगर कुछ आपको डाउट एंड कुछ क्लेरिफिकेशन हो तो आप सिंपली मैं कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हो। वंस अगेन वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली हो तो
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रॉम माई साइड।